Myself मंसूर अहमद, वेलकम टू माई YouTube चैनल ER मंसूर अहमद। आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स से UTET फर्स्ट के लिए प्रीवियस और दो सालों में जो क्वेश्चन मैथ का है वो मैं कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप देखें इसको क्या है, देखते हैं यहाँ पे। दो संख्याओं का मैस है तथा लैस है ग्रंथ से 8 तथा 48 है, एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपने एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। आप क्या कर सकते हो कि जो संख्या है पहली संख्या को m1 मानेंगे, दूसरी संख्या को n2 बराबर करेंगे HCF गुना LCM। ये है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें पता है कि पहली संख्या जो हमें दे रखी है वो दे रखी है मुझे 24। मुझे n2 पता नहीं है, n2 मुझे फाइंड करना है, एजिट ही रख दिया मैंने। ऐसे आप देख सकते हो कि मैस है तथा लैस है क्रम से का मतलब पहले मैस है 8 यानी कि ऐसे, फिर 48 क्या है LCM, ये हो गया। आप सीधा सीधा यहां से काट सकते हो 24 × 48 और n2 यानी कि दूसरी संख्या आएगी 8 × 16, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे पढ़ सकते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब क्या करेंगे कि वह संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें से घटाने से क्या हो जाए, वह संख्या प्राप्त हो जाए, यानी कि अलग अलग से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाए, वो विभाजित हो जाए कि 20, 28, 32 और 35 में से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ सीधा सीधा लिखा प्रत्येक में पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहला तरीका क्या है कि चार ऑप्शन दिए, 1120, 4714, 5200 और 5600। हम क्या करेंगे देखते हैं, सबसे पहले जो संख्या दी है 20, 28, 32, 35, प्रत्येक के एलसीएम निकालते हैं। देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 20, 28, 32 और ये 35, ये होगा। अब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, क्या है यहाँ पे देखते हैं, कैसे डिवाइडेड 400 हो रही है, तीन एक नहीं हो रही, 4 × 20, 4 × 28, 4 × 32, 35 आ जाए। ठीक, अब 5 से जो हो रही है 7 से, 7 से 5 से करते हैं 5 के 5, 7 का 31, 8 भी 31, 5 से 35, फिर ये हो रही है 7 से, 7 × 7, 8, 7 × 7, 8 आ जाएगा खाली यहाँ पे, 8 × 8। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 4, 5, 7, 8। अब मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, 4 × 5 × 7 × 8, ये आ गई संख्या हमारे पास। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। देखें यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 × 20, 20 × 7 कितने होते हैं 140, 140 × 8, 8 × 0 = 8, 32, 8 × 8 = 3, 1120 तो आया इसका एलसीएम, लेकिन वो पूछे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम क्या करते हैं एलसीएम जब इन तीन चारों का ले लिया हमने, हम क्या करेंगे, अब ये जो एलसीएम आया, अब जो मेरा पास संख्या है 5834, 5834 में से आप क्या करोगे 1120 को घटा दोगे, घटाने पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 4 × 4, 3 × 2 = 1, 8 × 6 = 7, 5 × 6 = 4, 4714 यह है हमारे पास, 4714 यह है। जब 4714 आ गया तो आपको पता है कि ऑप्शन क्या है इसका, बी, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि उसने सीरीज दे दी है, देखो 0, 3, 8, 15, 24, 35 और बोला है कि नौवां पद ज्ञात करो। सीधा सीधा सा हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफरेंस देख लो, 0 में 3 में 0 गया 3, ये कितना आया 5 आ जाएगा, कितना आएगा 7, ये मैं यहाँ पर डिफरेंस कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में 4 गया 1, 3 में 2 गया 1, ऐसे ही हमें दिख रहा है कि दो दो का डिफरेंस करके जोड़ रखा है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे
यहाँ पे 13 नौवा पद का याद करना है, छठा है, सातवा ये आ जाएगा 13 को बैठने में करोगे 3 5 8 3 4 फिर 13 में 2 और जोड़ेंगे यहाँ पे 15 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1 5 1 6 ऐसे ही आप देख सकते हो 15 में हम जोड़ेंगे 15 में यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे 17 17 में जोड़ेंगे 63 को 7 3 10 6 7 1 8 तो कितना आ गया 80 आ गया। यानी कि नौवां पद देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नौवां पद जो होगा 80 होगा, यही आपका आंसर है। यू टैट में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन में करा चुका आपको, 3 क्वेश्चन कराता हूं आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन, इसके पूरा सेट है ये पूरा मैथ का। तो आप चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें और यू टैट की अच्छी से प्रिपरेशन करें, और शायद 24 मार्च में इसका पेपर है। और बेस्ट ऑफ लक, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।